हिसार के लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान भी उपस्थित रहे। संजीव बालियान वेटरनरी कॉलेज हिसार के छात्र रह चुके हैं और उसके बाद यहाँ उन्होंने बतौर शिक्षक भी अपनी सेवाएं दी हैं। विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके बुजुर्गों ने भी शिरकत की। विश्वविद्यालय से पहले चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रहे वेटरनरी कॉलेज के छात्रों ने उस वक्त के विचार साझा किए, वहीं एक बार फिर अपनी पुरानी यादों को भी ताजा किया। 1952-1956 बैच के धर्मदत्त शर्मा ने बताया कि समय के साथ साथ शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है। धर्मदत्त शर्मा ने कहा कि उस वक्त उनके पास पर्याप्त बिल्डिंग भी नहीं थी, जबकि आज बिल्डिंग बन चुकी है और उस वक्त का कॉलेज आज विश्वविद्यालय बन चुका है। धर्मदत्त शर्मा ने कहा कि एलुमनाई मीट में उनका बैच का नहीं उन्हें कोई नहीं मिला है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उस वक्त उनके सहपाठी रहे उनके मित्र एलुमनाई मीट में पहुंचेंगे। 86 वर्षीय धर्मदत्त शर्मा ने बताया कि आज भी उनके सहपाठी उनके संपर्क में हैं। रैगिंग को लेकर उन्होंने कहा कि उनके दौर में यहाँ रैगिंग बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जब वह पटियाला में पढ़ते थे तो वहाँ पर रैगिंग काफी ज्यादा हुआ करती थी और कई बार तो रैगिंग को लेकर लड़ाई झगड़े होने से कॉलेज एक महीने तक बंद रह जाता था। धर्मदत्त शर्मा ने अपने वेटरनरी में दाखिला लेने को लेकर बताया कि उनके पिता भी मेडिकल के क्षेत्र में थे और वह भी मेडिकल में जाना चाहते थे, लेकिन अंक कम होने की वजह से उनका दाखिला नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने वेटरनरी कॉलेज में यह सोचकर दाखिला लिया कि अगले साल जब उनका दाखिला बीएससी में हो जाएगा तो वह वेटरनरी को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि एक साल में उन्हें इस साल में अच्छा लगने लगा, जिससे उन्होंने दोबारा से वेटरनरी को छोड़ने का कोशिश नहीं की। धर्मदत्त शर्मा ने कहा कि वेटनरी डॉक्टर बेजुबान पशुओं के हाव-भाव से उनके रोग का पता लगाता है, जबकि मनुष्य बोलकर बता सकते हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्र में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी का आज एल्युमिनियम मीट है। इस कॉलेज का छात्र रह चुका होने के कारण वह आज यहां पहुंचे हैं और उन्हें अपने जूनियर और सीनियर लोगों से मिलने का मौका मिला है। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि कॉलेज में उनके सभी अनुभव अच्छे रहे हैं। शायद देश के किसी भी हिस्से में मैं गया, नागालैंड, मेघालय, कहीं भी, पहली बार तो ये रही कि ज्यादातर हिस्सों में मुझे एचयू का कोई ना कोई मिला। अभी भी मैं, मेरी जो दृष्टि है वो डिवीजन हो गया, यूनिवर्सिटी बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक ही रहती है, चूंकि मेरे मित्र इतने वहां भी रहे हैं तो हम सबके मन में जो एचयू से पास आउट हुए थे वो बात आज भी लुहा शब्द बैठ नहीं पाया हमारे अंदर से। हमें वो एचयू का ही आज भी, हम जगह एचयू के मिलते हैं, एचयू के नहीं भी मिला तो देश के किसी भी हिस्से में जाऊं, किसी भी एयरपोर्ट में उतरता हूं तो शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई वेटनेरियन मेरे से मिलने ना आया हो जो शहर में रहता है, पता लगते हैं तो बड़ा अपनापन लगता है। ऐसा लगता है कि देश के किसी भी हिस्से में हमारा कोई भाई कहीं ना कहीं हमारे साथ बैठा हुआ है। अभी शामली में तरकेब सिंह जानते हैं, हमारे सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो वेटनेरियन है, कम अब तो शायद ज्यादातर लोगों को पता है मोहन भागवत जी। तो पहले एक बार मैं उनके कॉलेज गया था, अभी वो शामली आए हुए थे, तो नॉर्मली सरसंघचालक राजनीतिज्ञ से नहीं मिलते वो एक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और किस बैच के आप हैं। धर्मदत्त शर्मा, बैच आई पास आउट 56 पास आउट। सब यहाँ आज आप एलुमनी में आए हैं, तो पहले जब आप पढ़ा करते हो और आज किस तरीके का चेंज देखते हैं पढ़ाई में, सुविधाओं में? पढ़ाई में तो नेचुरली टाइम के साथ साथ हर चीज़ की डेवलपमेंट हुई है। बिल्डिंग नहीं थी हमारे पास पहले, स्कूल में पोस्ट ऑफिस तो उसके सामने स्कूल था, फिर उसमें क्लासेस लगती थी हमारी, इस बिल्डिंग में तो नहीं आए हम, उसी में पढ़े थे। आज के एलुमनी में क्या आपके समय के कोई बच्चे जो रहे होंगे उस समय के, वो मिल पाए हैं आपको? मेरे क्लास फेलोज न कोई अभी तक तो कोई नहीं आया मेरे से, बात किए हैं सब लोग, तो उम्मीद है कि कुछ लोग मिले। किस तरीके का एक एक्साइटमेंट रहेगा? हाँ, एक दो आ सकते हैं, करनाल से, करनाल में एक क्लास फेलो आ सकते हैं, बाकी देखो, बाकी तो दिल्ली में है राधा मोहन आचार्य जो एनिमल हस्बेंड्री कमीशन रहे थे, वो हैं दो तीन चार दिल्ली में है क्लास वाले, उसमें कुछ लोग आज भी संपर्क में आपके हैं? हाँ, होती है बातचीत, होती रहती है।
सब एक समय बड़ा था पहले कि रैगिंग एक बड़ा नाम हुआ करता है नहीं, रैगिंग का बीच में एक दौर आया था, क्या आपके समय भी इस तरीके की बातें हुआ करते कि सीनियर जूनियर की रैगिंग करें? रैगिंग का तो शुरू में था ही, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी बैठनी पड़ी में, बस यहाँ पीछे पड़ते थे वहाँ तो महिंद्रा कॉलेज पटियाला में बहुत रैगिंग होती थी, वहाँ तो लड़ाई भी हो जाती थी, फिर बाद में एक एक महीना कॉलेज बंद रहता था, ग्रुप थे आपस में सरदारों के या इनके, तो वो रैगिंग करते थे काफ़ी, तो इधर ये फिर थे ये क्या नाम है RSS के दो पार्टियाँ, मेजर पार्टी होगी ना वो काउंट्रेट करने के लिए, वो एक दो एक महीना कॉलेज बंद रहा वहाँ, वो आ जाते थे वहाँ से तलवारें लेके आ जाते थे, ये फिर ग्रुप में अपनी शाखाओं में से लाठियाँ लेके वो घेर लेते थे कॉलेज को, ऐसे बड़ा चला था जम फस्ती में दाखिल हुए थे बड़ा माशा था। अब तो रैगिंग वैगिंग कहीं भी नहीं है मेरे ख्याल में, यहाँ तो इतनी थी रैगिंग नहीं थी बैटरी कॉलेज में। एज ए वेटनेरियन सराव करके आपने एज ए वेटनेरियन सराव किया, किस तरीके का महसूस करते हैं कि मान लो कि उम्र के डॉक्टर आप होते हैं या फिर आज वेटनेरी के आप होते हैं, दोनों कैसे डिफरेंस होता है? देखो ऐसा जी, माय फादर वाज ए मेडिकल डॉक्टर, आई वांटेड टू बी मेडिकल डॉक्टर नो डाउट, तो बट आई कुडंट गेट एडमिशन, एक दो एडमिशन एक आधा नंबर रह गया, कई कंपटीशन में और चक्कर पड़ गया, तो लास्ट में फिर ये वेटनरी में तो लास्ट में नेचुरली ये ओपन बजाय, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बी एस सी में डेंट लाइक फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इंग्लिश वगैरह ठीक थी, तो उस वजह से मैंने कहा नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो फादर ने भी कहा वेटनरी में चला जाओ, उसके बाद अगर एडमिशन हो गई ट्राई नेक्स्ट ईयर आल्सो, अगर एडमिशन हो गई है तो छोड़ के आ जाना, तो इसी इरादे से दाखिल हुए थे कि छोड़ देंगे, सच्चाई ये है, लेकिन यहाँ आने के बाद फर्स्ट ईयर में आने के बाद फिर सेकंड ईयर में यहाँ दाखिला नहीं हुआ, बस फिर सेकंड ईयर के बाद ट्राई नहीं, फिर इस तरफ मन लगा दिया, फिर ये दिमाग में आ गया भाई सेवा तो है ये तो डम ड्रिवन की है सेवा, मेडिकल से आदमियों से तो अच्छी है ये अगर देखा जाए, और एक तीसरी आई जो आँख है वेटनरी में ही खुलती है, मेडिकल में नहीं खुलती, वहाँ तो पेशेंट सब कुछ आप ही बता देता है, यहाँ आपने तो जज उसके एक्शन से उसकी मूवमेंट से आपने जज करना होता है, इसे क्या तकलीफ़ है, पैर मार रहे पीठ पर तो इसका मतलब पेट में दर्द है, तो ये बताएगा नहीं ऐसे इशारे कर देता है वो, तो इस करके इसका वेटनेरियन का तीसरा नेत्र खुला हुआ होता है जो कि बाकी में नहीं होता। देखिए जो वेटनरी कॉलेज था पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का, तो लुवास हो चुकी यूनिवर्सिटी, उसका एलुमनाई का आज फंक्शन है, सभी पुराने लोग आए थे, चूँकि मैं भी यहीं का छात्र रहा हूँ बहुत लंबे समय तक छात्र रहा हूँ, तो सबसे मिलने जुलने का अपने सीनियर जूनियर से मौका है, धन्यवाद। सभी अनुभव अच्छे रहे, मेरा कोई अनुभव खराब ही नहीं रहा है कभी।